वेरी हैप्पी फॉर दैट मेरा रिजल्ट भी है। सो फ्रेंड ये 10th क्लास आई थिंक मेरा थोड़ी और चेंज करना है उनको, तो इंशाल्लाह वो भी जरूर है सभी। और तो वो जी हम मांग चलेंगे आपको। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप यू ऑल आर वेल क्वाइट वेल। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक जो कमेंट करें लाइक और शुरू करते हैं एंड देन उसके बाद गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी बात बताऊं। आज मेरी वीडियो शॉर्ट बिकॉज कुछ आज कंटेंट नहीं था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत वीडियो बना लेते हैं। तो इसके बाद जो है फ्रेंड्स अपलोड भी नहीं की वीडियो से दैट्स व्हाई। तो फ्रेंड्स आप लोग को पीछे से देख ही रहे होंगे बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है। तो ये जो है मैंने क्लॉक के लिए मैंने दराज से ऑर्डर करवाया है एंड इसके बाद यहाँ पे पहले जो क्रॉकरी के लिए क्या पड़ा था डिवाइडर या शोर उसको हमने यहाँ से हटा कर ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया और थोड़े से ग्लोब्स वगैरह लाइटिंग वगैरह थोड़ी और चेंज करना है उनको, तो इंशाल्लाह वो भी जरूर ऑर्डर किया है। तो अब जितने दिन में आएगा जब आ जाएगा तो घर वगैरह सेट वगैरह करेंगे। देन उसके बाद अभी फिलहाल स्टार्टिंग है हमारी सेटिंग के लाउंज एंड ड्राइंग रूम से। थोड़ी बहुत हमने चेंज ही की है जिससे आप लोग सी दैट ये क्लॉक है एंड देन उसके बाद ये चिली लाइट्स मैंने रूम से यहाँ पर शिफ्ट की है एंड देन इसके बाद जो काउचेज हैं काउचेज की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की है एंड देन इसके बाद यहाँ पे जो है काउच पड़ा था एक और, तो यहाँ से हमने काउच हटा कर ये रख दिया और ये एंड देन एक ये है एक पापा के रूम में पड़ा है। बाकी रूम्स की सेटिंग अभी तक नहीं, सिर्फ ड्राइंग रूम है फ्रेंड्स। ड्राइंग रूम आई मीन मतलब ड्राइंग रूम और सिर्फ लाउंज की फ्रेंड चले अब मैं दिखाती हूँ आपको ड्राइंग रूम। सो फ्रेंड ये उस दिन हमने आपको वीडियो दिखाई थी कि जो है हम इसको जो है ना शिफ्ट करेंगे जब इसके बाद मतलब इसकी दो थे मैं आपको बताया था सफाई करके इसकी भी सेटिंग करेंगे। तो जी एक इसको यहाँ पे रखा है हमने और यहाँ पे कुछ फ्रेम वगैरह आ जाएंगे तो ये अच्छा लगेगा, मतलब वॉल पे स्टिकर्स या फ्रेम रखिए वॉल के लिए फ्रेम और क्या बोलते हैं स्टिकर्स वगैरह। तो यहाँ पे एक और मनी प्लांट यहाँ पे भी रखा है एंड ये इसका तो कुछ प्लान नहीं था बस इसको ऐसे ही रख दिया है। चलिए फिर जब दिखाते हैं हम आपको ड्राइंग रूम, चलिए ड्राइंग रूम की लाइट ऑन करते हैं। सो ये जो हमारा ड्राइंग रूम जो हमारा क्रॉकरी का चुपड़ा था क्या बोलते हैं इसको वो हमने यहाँ पे अरेंज किया है इसको एंड देन इसके बाद यहाँ पे ये टेबल रखी है ये दर्जाना वगैरह। यहाँ की जो लाइटिंग थोड़ी सी कम है ड्राइंग रूम के, ड्राइंग रूम तो बिल्कुल सेट है, काउचेज आ गए यहाँ के एंड डिवाइडर वगैरह यहाँ के तो पूरी ये टेबल्स हैं, टेबल्स से सेटिंग पूरी परफेक्ट है लेकिन यहाँ की लाइटिंग का इशू है तो लाइटिंग का इशू भी हमने सेट कर दिया एंड देन इसके बाद यहाँ पे कुछ मतलब जो लाइक एक सर्च में ऑन करते हैं तो इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो वो जी हम मांग चलेंगे ऑफकोर्स फ्रेंड्स। और मतलब लाइक वो एक होता है तो इसका जो मैं आपको क्या बताया कि फ्रेंड्स ये जो है ना मतलब लाइक होम को ना फ्रेश रखता है, मतलब खुशबू इसकी बहुत अच्छी है एंड इसके बाद यहाँ पर जो ये रेड रोज वाला क्या बोलते हैं इसको पॉट था वो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक रखा है एंड देन उसके बाद हमारे ये पूरे काउचेस एंड जैसे ये कारपेट एंड ये दोनों की थीम है एंड देन उसके बाद काउचेस एंड ये सब कुछ ना मतलब एक प्यार सा ना कलर बन के मैच करें। सो फ्रेंड इसलिए हमने जो है लाइटिंग ड्राइंग रूम में लाइटिंग देनी चाहिए। सो फ्रेंड इसकी बात करें अगर पुराने जमाने का जिस तरह मतलब होता था लेकिन अभी जो है हमने एक LED भी दी है तो इसको हम निकाल कर LED रखेंगे लेकिन LED ड्राइंग रूम में नहीं लाउंज में रखेंगे क्योंकि हमारा बैठना ज़्यादा लाउंज में होता है ना कि ड्राइंग रूम में। ये तो सिर्फ ऐसे ही लाइक फॉर क्या बोलेंगे किसके लिए होता है मेहमानों के लिए होता है सिर्फ। चलिए फ्रेंड्स और बाकी जो है रूम में एक मैंने सिर्फ और सिर्फ मैट मामा ने कालीन लगाया है बस इसके बाद कुछ भी नहीं। जब भी हम सब पढ़ रहे थे तो फिर हमें प्लान आया कि चलो भाई वीडियो वगैरह बना रहे थे तो फ्रेंड्स चले मैं अपने रूम में चलती हूँ तो देखते हैं कि शॉपिंग व्हाट और शॉपिंग क्या करें। चलिए लाइट ऑफ करते हैं लेट्स गो। ओके ये जो शॉपिंग है माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी स्टडी कर रहे हैं ये देखें
फोन चला के बैठे और भाई पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, फोन चला रहे थे। फ्रेंड्स इसके वो है, क्या बोलते हैं, एग्जाम्स हैं, है ना। यस फाइनली गाइस मेरे एग्जाम हो गए एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। मेरा रिजल्ट भी है। सो फ्रेंड ये 10th क्लास में, तो जी इनका एग्जाम है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक, है ना, मैट्रिक बोलते हैं। फ्रेंड्स ये मुझे नहीं पता कि मैट्रिक और एक और 9th को क्या बोलते हैं। मैट्रिक में बड़ा मैं कंफ्यूज होती हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स हाँ, इफ यू टॉक अबाउट वेदर, वेदर इज टू, क्या बोलेंगे इसको फ्रेंड्स, वेदर वेदर इज टू ब्यूटीफुल हो रहा था लेकिन अब नहीं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अभी फिर खूबसूरत हो रहा है क्योंकि अभी तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स टाइम भी ज़्यादा हो गया है, शाम का टाइम है, सो दैट्स व्हाई वेदर प्यारा हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा। थोड़ी बारिश वाला वेदर हो रहा था, बारिश कैसे सीजन तो नहीं है, पता नहीं कैसे बारिश हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स हमारे गाँव साइड बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे जी मम्मा करती हैं सिलाई, तो यहाँ पे लिटरली स्टिचिंग जो करती हैं, इतना गंद लगा पड़ा है फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊँ यहाँ पे फ्रेंड्स। एंड इस बार मैम मैं बोलती हूँ भाई पूरे घर की सेटिंग करेंगी लेकिन इस कोने की सेटिंग नहीं करनी मम्मा को, आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं करनी। अब फ्रेंड्स मैं तो अपना रूम डेकोरेट करूँगी, यहाँ पे क्लॉक नहीं आएगा एंड उसके बाद लाइट्स वगैरह थोड़ी बहुत लगेंगी एंड इसके बाद और क्या होगा, साइड टेबल्स वगैरह थोड़ी बहुत चेंजिंग्स वगैरह होगी एंड शोपीस ये टेबल वगैरह भी एंड। वाओ फ्रेंड्स बाहर का वेदर देखिए कितना अच्छा रहा है। फ्रेंड्स बाहर चलते हैं लेकिन यार टाइम ही नहीं है, तो इसलिए जी फ्रेंड्स बाहर हम नहीं चल पाए, इंशाल्लाह कल फिर देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग सामने का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू हो रहा है फ्रेंड्स। वाओ रूफ पे भी चलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्या मसला है, व्हाट प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी थी, सो कैसी लगी आज मेरी वीडियो, अच्छी लगे इसको लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसी लगी आज मेरी वीडियो, शॉर्ट वीडियो फ्रेंड्स, सो अच्छी लगे इसको लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड मेक श्योर ये बताएगा कि आप लोगों को हमारे घर की सेटिंग कैसी लगी थोड़ी बहुत, अगर इंशाल्लाह पूरा घर प्रॉपर सेट हो जाएगा फिर बहुत अच्छा व्लॉग बनेगा फ्रेंड्स। अभी तो ऐसे ही मैंने थोड़ा बहुत, मैंने बोला थोड़ा दिखा लेते हैं कि कैसा वगैरह। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आज मेरी वीडियो, अच्छी लगे इसको लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब चैनल पर, बहुत सारा दुआ में रखिएगा। बाय बाय।